हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे हमें वन प्लस फ़ोन में आप कैसे टाइम फॉर्मेट को कैसे 12 आवर फॉर्मेट में कर सकते हैं और 12 आवर टाइमिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने वन प्लस फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर 12 आवर टाइमिंग को सेट कर पाएंगे वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन ओपन हो जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर जाते हैं सेटिंग्स पर जाकर अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर पाएंगे। देख सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग से ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं इसका। और जैसे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है आपके फ़ोन में डेट एंड टाइमिंग, जिस पर जाकर टाइमिंग को आप 12 आवर टाइमिंग में कर सकते हैं। सिंपली जब आप इस पर क्लिक करते ही आप इसको 24 आवर टाइमिंग पर कर देंगे तो आपका जो टाइमिंग है 24 में हो जाएगा। तो टाइमिंग आपका 24 टाइमिंग में शो करता है और आप इसको ऑफ करके 12 आवर करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, टाइमिंग 12 आवर में हो जाता है। तो इस तरीके से टाइमिंग को 12 आवर में सेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, सिंपली आप देख सकते हैं कि आप सर्च भी कर सकते हैं। आप सर्च करते हैं टाइम ऑप्शंस, तो इससे आप डायरेक्टली या फिर टाइम फॉर्मेट हम सर्च कर देंगे तो डायरेक्टली आपके पास टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जाकर आप यहाँ से टाइमिंग को बदल सकते हैं और 12 आवर या 24 आवर में कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।